अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल हैं आपके? अच्छा क्लास, आज मैं ड्रॉप डाउन के साथ आप लोग को एक सिंपल फॉर्म बता रही हूँ, जिसमें हम ड्रॉप डाउन के थ्रू जो है हम कोई भी एक कंट्री या एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें। हम और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं अपने जो हम कंटेनर बनाने के लिए यूज़ करते हैं टैग, वो अप्लाई करेंगे। लाइक डिप टैग यूज़ करते हैं हम, ठीक है, डिप लगा दिया हमने। अब हम एक फॉर्म ले रहे हैं, ठीक है, फॉर्म का टैग ले रहे हैं। फॉर्म के टैग को मैंने जो है स्पेस दे दिया। अब मैं इधर दे रही हूँ लेबल। अच्छा क्लास, मैंने एक दफ़ा पहले भी एक सिंपल फॉर्म क्रिएट करना बताया था, तो उसमें ये बताया था कि थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं डिस्क्राइब किया था उसको, मतलब नॉर्मल सिंपल बता दिया था। अच्छा, इसको जो है हम थोड़ा सा अच्छे से डीपली थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक दे रही हूँ लेबल। लेबल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बताना है कि जिस तरह यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ये वाला लेबल, कि आप नाम बताओ, मैं नाम लिखूँगी इसके अंदर, जैसे कि मैं इनपुट दूँ वो आउटपुट दें मुझे, ऐसे, ठीक है। लेबल के साथ फिर मैंने यहाँ पे कर दिया उसे फोर, ठीक है। फोर करने के बाद फिर मैंने उसे दे दिया एफ, एफ मतलब फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने उसको पूरा लिख के दे दिया फर्स्ट नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं वापस आती हूँ और उसके बाद फिर वही इनपुट देती हूँ। अब अच्छा, लेबल के बाद मैं फ़ौरन इनपुट इसलिए देती हूँ कि इनपुट टाइप दे दिया है इसको फिर मैंने, और फिर उसके बाद जो है मुझे अच्छा टाइप उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने तो सॉरी एक्सेप्ट कर लिया, मुझे टाइप देना है, ठीक है, ये आ गया टाइप। अच्छा, अब मैं जो है ना उसे बटन नहीं दे रही हूँ, उसे टेक्स्ट देना है। मैंने मुझे कोई बटन क्रिएट नहीं करना है, मुझे टेक्स्ट देना है, तो मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब मैं उसे दे रही हूँ आईडी, ठीक है। आईडी के बाद जो है मैंने उसे वही फिर एफ नेम दे दिया, मैं पहला पूरा करने जा रही हूँ, तो एफ नेम दे दिया मैंने उसे, ठीक है। एफ नेम के बाद फिर मैंने नेम दे दिया उसे, क्योंकि मुझे एक नाम बताना है। अच्छा, एफ नेम के बाद मैंने उसे यहाँ से देना है नेम, वो मेरे पास आएगा, ठीक है। फिर अब मैं उसे दे रही हूँ फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम के बाद मैंने फिर उसे दे दिया प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर जो है मेरी जो चीज़ों को प्लेस्ड हो जाएंगी चीज़ें, तो वो आएगा यहाँ पे। और उसके बाद मैंने दे दिया उसे योर नेम, योर नेम डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड कंट्रोल एस कर दिया। अब मैं जो हूँ इसी को जो है कॉपी कर लेती हूँ, और इसमें जो है मेरे पास फर्स्ट में मैंने दिया हुआ है फर्स्ट नेम, सेकंड में मैंने दिया है उसको सेकंड नेम, एंड थर्ड में जो मैंने उसे दिया है वो है कंट्री लेबल, ठीक है। तो मैं जो हूँ इसको जो है यहाँ से अच्छा क्लास, मैंने जो है सेकंड को भी लेबल का नाम दे दिया, यहाँ से मैंने उसको जो है वही चीज़ जो पहले बता रही थी मैं, उसी को मैंने उठा के कॉपी कर दिया, प्लेस होल्डर लिख दिया योर लास्ट नेम एंड योर फर्स्ट नेम, ठीक है। अब जो है मैं ये दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे भी पुट किया हुआ था। अच्छा, इसमें जो है मैंने यहाँ से मेरे पास जो मौजूद है वो है लेबल। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे लेबल किया है फॉर कंट्री नेम। अच्छा, कंट्री नेम में मैं यहाँ जो है चलिए यहाँ पे कंट्री नेम छोड़ देते हैं, कंट्री नेम, एंड यहाँ से चेंज करते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया के बजाय हम यहाँ लिख देते हैं अपना पाकिस्तान, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे भी मुझे पाकिस्तान लिखना है,
ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर मैं उसे लेना चाह रही हूँ। होल्ड दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसे लेना चाह रही हूँ लाहौर, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेव किया इसको एंड ब्राउज़र में जाके चेक करती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है ड्रॉप डाउन में पाकिस्तान, लाहौर, यूएसए। अच्छा यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कंट्री नेम, कंट्री नेम्स चाहिए तो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, और मैं अगर इसे लेना चाहती हूँ, कॉपी करने हैं मुझे, मैं एक न्यू टैब में ओपन करती हूँ उनको, यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ आराम से। ये देखिए मैं जितना असल ये है कि मुझे ये भी कॉपी करने पड़ेंगे, जस्ट सेकेंड। अगर मैं यहाँ से सी करके नोटपैड में देखती हूँ कि ये कैसे आते हैं, ठीक है। हाँ देखिए ये उसने सारा सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ, देखिए एक एक करने से बेहतर है, देखने से बेहतर है कि मैं वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दूँ उसको। तो ये देखिए यहाँ से उठाती हूँ मैं इसको, ठीक है, कंट्रोल सी किया एंड यहाँ पे लेके आई। अच्छा यहाँ से अब मैं उसको कैसे दूँगी, अब मुझे एक एक करके उसे आराम से, जैसे यहाँ पे है मेरे पास, मैं इसी को उठाती हूँ यहाँ से, ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने एंड नीचे आके कंट्रोल वी कर दिया, और फिर नीचे कंट्रोल वी कर दिया, फिर नीचे वी कंट्रोल वी, ठीक है। अब मेरे पास जो लिस्ट आई है उसको मैंने क्या करना है, नोटपैड पे कंट्रोल सेट करके कंट्रोल वाई कर, अच्छा यहाँ पे मैंने उसे क्या कर दिया, कंट्रोल बी, अच्छा कंट्रोल बी से वो वाला आ गया, मैं ये वाले चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ से आगे कंट्रोल सी किया और उसको जो है नोटपैड में यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल बी कर दिया। अब मैं एक एक करके यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, और से मैंने ये अब उठा लिया अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ से मुझे पाकिस्तान के इसमें से यहाँ लाके पेस्ट किया मैंने, ठीक है, इसी तरह मुझे यहाँ ला के पेस्ट करना है फिर, ठीक है। फिर यहाँ सेकेंड नेम लेते हैं, जी ना सेकेंड नेम ले लिया, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। अब फिर सेकेंड यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई, ये रिमूव किया मैंने पाकिस्तान, यहाँ से आके मैंने ये वाला उठा लिया, ठीक है, यहाँ पे लाके पेस्ट किया, फिर यहाँ से मैंने इसे रिमूव किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आई थिंक सो इतने इनफ है हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल एस किया, इसके आप ब्राउज़र में गए, यहाँ से हमने अपने उसमें जाके देखा, आप देखें कितनी सारी लिस्ट आ रही है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो जैसा मैंने यहाँ लिखा आसिया, रशिया, रहमत, ठीक है, एंड पाकिस्तान, या आप लिखें यू ए के, यू एस ए,
और फिर उसको सबमिट करना है। अच्छा, सबमिट करने पे देखें वो फिर से मेरे पास रिफ्रेश होके आ रहा है वो, और ये जो चीज़ है ये कन्फर्म्ड हुई भी है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ योर नेम, योर लास्ट नेम, जैसे होता है ना आप कुछ फिल करने जाते हैं किसी बैंक में या किसी फॉर्म में लिखा होता है कि आपका नाम लिखें, आपको नहीं पता होता इस बॉक्स में आपको क्या लिखना है, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ होता है योर नेम। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ और वहाँ से क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा फिर वो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे CSS की दी है। CSS बहुत आसान है इसकी स्टाइलिंग, इसमें ये कि इनपुट टाइप टेक्स्ट देना है, विड्थ देनी है, पैडिंग देनी है, जो है डिस्प्ले देना है, बॉर्डर साइज़ देना है, और ये सारी चीज़ें इसको देनी है। इसको आप लोग ज़रूर एनालाइज कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें ये कि मैं यहाँ से जो कलर आ रहा है, ये क्रीम कलर आ रहा है, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से मैं इसे चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। कलर पिकर से मैंने उठाया और रेड कलर रख के कंट्रोल एस किया एंड ब्राउज़र करके अच्छा इनपुट हॉवर की क्लास आ रही है। अच्छा, हॉवर में मैंने लगा दिया है, मुझे जो है यहाँ लगाना था, यहाँ से चेंज करना है मुझे। मैंने ब्राउज़र किया और रेड कलर करके कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से चेंज किया, अब ये देखें, ठीक है, ये कलर आ रहा है अभी जब मैं इस पर रख रही हूँ होवर की क्लास पे, तो वो ये कलर दे रहा है मुझे, ठीक है। क्लास आप एक नज़र इस कोड को देख लीजिए। यहाँ से स्टाइलिंग स्टार्ट की है हमने, बॉक्सिंग साइजिंग दे दी है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से उसको होवर की कलर दे दिया, उसका डिप के साथ बॉर्डर दे दिया, और फिर यहाँ पर मैंने उसको होवर की क्लास का कलर ये दिया है। अगर मैं कोई कलर जिस तरह कलरफुल दूंगी तो वो होवर की क्लास पता नहीं चल पाती है। फिर मैंने स्टाइलिंग करा और फिर मैंने इसको जो है यहाँ से लेबल की दी, फॉर्म दिया, फॉर्म ऐड किया, फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ऐड किए। अच्छा, सेकेंडली आप इसमें ये कर सकते हैं, अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि जो है आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप एज करवा सकते हैं, एज जैसा यहाँ पे मैंने लिखा कंट्री एंड ये मैंने लिखा, इसी के नीचे आप क्या कर सकते हैं, एज फैक्टर लगा सकते हैं। एज में आप इसी तरह ड्रॉप डाउन में एक कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें आप 33 से अबव जो एज के होते हैं वो इसमें कुछ भी हो सकता है, कोई कोर्स है या कोई जॉब है उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो आप एज फैक्टर इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू से आप कोड देख लीजिए इसका, ठीक है, और होप सो आज के सेशन ही आप लोगों को समझ आया होगा।